हेलो, मैं फिर से चढ़ाई चढ़ने को तैयार। तो अभी बज तो हेलो गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे सुबह के 9, और मैं जा रही हूँ गांव में, क्योंकि आज हमारे यहाँ इतने से चढ़ने में खैर आई माँ का। तो हमारे यहाँ मतलब जब नई देवी देवता आते हैं तो उनके मंदिर बनते हैं ना जैसे, तो बस हमारे यहाँ वो मंदिर बन रहा था जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था जब हम वहाँ के लिए सामान लेके आए थे। और आज वहाँ मूर्ति की स्थापना होने वाली है क्योंकि मंदिर अब पूरा बन चुका है आज से वहाँ। वैसे तो कल से पाठ शुरू हो गए थे, लेकिन आज मतलब अभी आप ढोल दमों की आवाज़ सुन रहे होंगे, अभी वहाँ मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो अभी सबके सब मतलब गाँव से जाएंगे वहाँ ढोल दमों के साथ निशान के साथ, और पूरा गांव ही जाएगा लगभग। तो मिलते हैं आपको ऊपर, ठीक है? नमस्ते, प्रणाम और पलाग आप सभी को मेरा। तो मैं पहुंचने वाली अब गांव में, चलो दिखाती हूँ। भागते भागते मेरी जान निकल गई। लोग बोलते बीड़ी मत पिया करो, भाई चढ़ाई इतनी होती है कि सांसें फूलने लगती है, बीड़ी नहीं पीती मैं, ठीक है? फालतू की बात है। चल चलो चलो चलो, देखो ये रहा। यहाँ पे अभी निशान को तैयार किया जा रहा है। आपने देखा कि मतलब गांव में जो मूर्ति जाएगी अभी मंदिर में, तो उसकी पालकी सजा रहे अभी सबके सब, धूपन वगैरह चल रही है वहां पे, ढोल दमा बज रहे हैं, और मैं आई हूँ अभी फूल लेने के लिए अपने घर पे। तो चलो फटाफट फूल तोड़ेंगे फिर चलेंगे हम भी। तो ये देखो हम ये फूल देंगे, और आधे हैं ये, आधे लोग यहाँ से खड़े हो रखे, देखो। जय माता की। जय माता की। जय माता। ये लास्ट लास्ट चले चले चंपू में भी देख, मैं चप्पल ली है तो पहन के जाओ ना ना मिल से बोले आना यार।
सहसपुरी है। जय माता की। हाय डाली। तेरा मेरा बाड़ी बोली काली माँ रानी बोली काली माँ शिरगी चुनारी सजानी बोली काली माँ सजानी बोली काली सजानी चढ़ानू तेरा मेरा बाटो मजानी होली काली मैया सजानी होली काली माँ सजानी होली काली उजानी चढ़ानू तेरा मेरा बाटो जानी होली काली माँ जानी होली काली माँ नाकखी नथिया सजानी होली माँ सजानी होली काली जय माता की जय माता की पहुंच गए हम मंदिर में अब सब यहाँ पे कथा चलेगी और सब यहाँ पे कीर्तनों के लिए बैठ चुके हैं। देखो यहाँ पे देखो ढोल दमो अब ढोलक का काम कर रहे हैं कीर्तनों में। तो वहाँ मंदिर में भी पाठ चल रहा है देखो और यहाँ कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ ढोल दमो वाले बैठे हुए हैं और यहाँ जेंट्स पार्टी बैठी हुई है, चाय की तैयारी कर रहे हैं। इधर अभी तो मतलब एक सामने मतलब पाठ वगैरह चल रहा है, फिर मूर्ति स्थापना करेंगे और एक जगह पे मतलब जो पूरे गांव की लेडीज़ हैं वो सब कीर्तन कर रहे हैं और जेंट्स लोग साइड में बैठे हुए हैं। तो चलो दिखाते रहेंगे आपको, अपडेट करते रहेंगे जो जो चल रहा है हमारे यहाँ पे। और व्लॉग तो मैं इतना नहीं बनाऊँगी क्योंकि देवी देवता नाच रहे हैं, उनका वीडियो बनाना उनका वीडियो बनाना सही नहीं लगता है उनका मतलब। तो इसलिए जो नॉर्मल डांस कर रहे हैं मैंने उनका ही बनाया है। जो ढोल दमों में डांस कर रहे थे तो वो देवी देवता नहीं नाच रहे थे उस टाइम पे, तो गलत मत समझना। तो चलो चाय बन चुकी है, हम चाय पीने निकलते हैं। कोई दीदी क्या? नहीं नहीं मैं सबसे पीछे लाई। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बोलो चाय पी लो। चाय बन रही है हमारी माता रानी के नाम से। यहाँ क्या बोलते हैं, पोरी धारखाल में। पोरिया का नाम है पोरी धारखाल है। पोरी धारखाल। अच्छा मंदिर बन रखा है यहाँ, आज माता का भंडारा होगा कल से। चाय बन रही है, आ जाओ बोला, आ जाओ सब फ्रेंड आ जाओ। दीदी और कोई बुलाओ, दीदी और कोई बुलाओ। हाँ दीदी और भी आ जाओ, किरण पूजा सुमन कुसुम दीदी कुसुम अनीता चलो गुड्डी सब आ जाओ। चलो बाय बाय बाय। तो ये टेंट देखो, ये सोने के लिए लगा हुआ जो रात को यहाँ रहेगा। तो ये है डोली जिसमें माता जी को लेके आए थे और इनको ही सजाया था। देखो ये सजाया माता का डोला, ये माता का डोला लाए हम यहाँ इसमें माता की सवारी करके। ये इसमें पहिया के, वो क्यों लगा पहिया के? नहीं ये पहिया के हैं, ये पूजा में भी काम आता है। ये आम के पत्ते हैं, इसे माता का गेट बना रखा है, ये माता का दरबार बना रखा था, माता उसके भवन में रखा। चलो प्राण प्रतिष्ठा होगी माता की तब उसका श्रृंगार होगा। ठीक चाय बटने लग गई। देखो भाई लड़का काम भी करता है। तब तो तेरे रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। बात करते हेलो बोल दे,
अब हेलो बोल दे। तबीयत खराब चल रही ना अभी, कुछ ना। अरे यार ये तो बात ही नहीं कर रही है, लाडो मेरे को भी चाहिए। ठीक है बाद में करता हूँ यार, मैं जरा काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, कोई बात नहीं। ये देखो अरे वाह यार, तो बड़ा मस्त हो रहा है यार। ये देखो, तो जो लोग रात को यहाँ सोएंगे ये उनके लिए सोने की व्यवस्था की गई है बड़े मस्त तरीके से। ये सही कितने बनाए थे? मस्त है ना, शाबाश। ये देखो और ये हमारे गांव के भाई लोगों ने बनाया है, बड़ा मस्त बना। ये घर तोड़ी है जो तू सीधा सीधा चल रहा है। अच्छा यहाँ स्टोर बना रखा है क्या? और ये रहा स्टोर, ये सही है। ये देखो हम अब नीचे आ गए और बाकी लड़के लोग मैच खेलने चले गए कि पता नहीं कहाँ चले गए, और हम लेके आ रहे इसको। देखो एक भाई है, क्या बोलते रे इसको? पिनिस, माता की डोली बोल। इसको बोलते हैं पिनिस, बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब माता की डोली, जिसमें माता को ले गए थे। और अब हम क्योंकि वहाँ पे पाठ वगैरह हो गया ना। हाँ एक तो हो गया, कल है तो बाकी लोग अभी उधर ही है, बाकी लोग घर चले गए क्योंकि सबको खाना वाना बनाना है। तो हम अभी जा रहे हैं, तो चलो नीचे ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़, ऊपर से नंगे पैर हम। बाय बाय, हाय बोल। हाय हाय हाय। इसको भी मैच खेलने जाना है, फट साड़ी। चलो अब मैं मतलब वो पालकी को नीचे मतलब घर पे रख के आ चुकी हूँ, जहाँ पूजा है, जिनके घर की पूजा है। और खैर तो आगे दर्द हो गए थोड़े, अब मैंने चप्पल पहन लिए क्योंकि अब मैं घर जा रही हूँ अपने खाना वाना बनाने के लिए। और क्या बोलते, तो अभी तो मतलब आज मूर्ति स्थापना नहीं होने, मुझे लगा था आज मूर्ति स्थापना होगी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज सिर्फ मूर्ति को मंदिर तक पहुँचाना था, उसके बाद आज से पाठ शुरू हो गए हैं। तो वहाँ मंदिर में मतलब अकेला नहीं रखते वहाँ मूर्ति को, तो आज सबके सब जो लड़के लोग हैं, मतलब जो अगर पंडित जी लोग भी सोएंगे तो सब वहीं सोएंगे, बाकी जिनके घर की पूजा उन सबके व्रत हैं इस टाइम पे। तो बस यही था आज का सीन, तो ऐसा ही होता है अपने पहाड़ों का कल्चर, जिसको देख के बड़ा सुकून मिलता है और मतलब अच्छा लगता है। तो अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, ये तो मैं सबको ही बोलना चाहूँ। कहीं पता चल रहा है यहीं आ रहा उड़ के। शर्मा गई। तो मैं आज कह रही थी पता है, टोना किया, टोना याच टोना। और ये मेरे लिए चाय बना के लाई है क्योंकि चाय बनाने का नहीं, चाय पीने का टाइम हो गया, 3 बज गई। चाय पीने का टाइम नहीं हुआ हमारा, हो गया। नहीं हम भी बना ही देते हैं यार। हट फट जी। बुखार आई है, दवाई खाची दिले? हाँ बोल खाची। अब ठीक से बोल, मीठी होनी चाहिए। कड़ी 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 छे कड़ी 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 निकाले। अब आशो के बोलना चाहिए, फिर गाड़ फिर गाड़ बने नहीं जा। इन्हें सुनाई का बच्ची के एक बार में ट्रेनिंग लेके आओ, ये चीज सही से ट्रेनिंग लो रे। नहीं ना, हम सही से ट्रेनिंग ले। ओ दीदी छोड़ दे यार, मत तक 1 2 3 4 40 रुपए तो ये होगी। सारे के सारे जाने लग गए, तो
अभी हम लोग चाय पानी पी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर में कीर्तन है, मतलब मेरा ब्लॉग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो चलो चलते ही। मौसम बड़ा मस्त हो रखा, दिखाती हूँ, बैक से दिखाती हूँ। हम लोग अभी कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो आधे लोग पहुंच चुके हैं और आधे अभी जा ही रहे हैं। दिखाते हैं। निशा डांडो मटेड़ा मेरा वाटो मा सरारा रा पापा, पहुंच गए हम। देखो ऑडी वाले भाई अमीर लोग हैं हमारे यहाँ। देखो एक डॉग भी रखा उन्होंने अपने साथ। ऑडी उधर से आ रही है। पहाड़ी मस्त। लो भाई अब तो अंधेरा भी हो गया, देखो जाने की तैयारी में, पर ये लोग चाय का वेट करते हुए डिस्कशन चल रहा है यहाँ तगड़ा वाला। चाय लाता हुआ जो कि गांव से लेके आ रहा जाना।
बजाएगी आई बाय आज तो बाय आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी आज मेरी बोलती बंद है बोलने वाली नहीं हूं आज मजा आ गया बोलते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो और ढोल तो मैं बजाने के लिए भी बहुत बहुत बधाई हो ताई को नाचने वाले को बधाई बधाई वालों में जिनके मैसेज आते हैं उनको उसके लिए भी बधाई बोल देना चढ़पाली गांव से यार का नहीं गांव में आ रखी हूँ और ऐसे ही यहाँ के कॉमेडी कर रहा हूँ करती रहूंगी और तू भी करते रहो तू भी खुश रहो हम भी खुश ओ अच्छा बाय बाय तो आज रात को लड़के यहाँ स्टैंड में रुकने वाले और सब जाने को तैयार चलो 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 बोले पकड़ो अभी ये फोटो खिंचाने को तैयार है पर मैं वीडियो बना रही हूँ तो जिगर अब हम जा रहे देखो ये हम लास्ट वाले लोग रह रखे इस टाइम पे हम लोग मंदिर से आ चुके हैं अब इनकी बारी ऊपर जाने की क्योंकि ये लोग आज वहीं रहेंगे का है अब हार चेक हो जाओ जाओ बाय बाय अब हम कल मिलेंगे सीधा मतलब अब हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अब मतलब जितने भी लड़के लोग हैं उनका खाना सबका ऊपर ही है और अब वो मंदिर में रहेंगे क्योंकि जब पाठ शुरू हो जाता है तो उसके बाद मंदिर को अकेला नहीं छोड़ते तो बस आज उनकी बारी है तो इस ब्लॉग को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं तक ले बाय टेक केयर अपना ध्यान रखो सबका ध्यान रखो खुशियाँ बांटो और खुशियाँ फैलाते रहो ठीक है तो बाय बाय और अभी हमने जो मजे किए वो तो आपने देख ही लिया है ना तो बहुत मज़ा आता है वही गांव में जो लोग मतलब बाहर रहते हैं जो लोग गांव नहीं आए और उनको इन मज़े के बारे में मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि हाँ भाई गांव में ऐसा ऐसा होता तो प्लीज़ देखो और आया करो गांव में ठीक है तो बस मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में बाय बाय क्योंकि अभी 2-3 दिन तक काम चलने वाला तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी ठीक है बाय 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 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को लो हो सके तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मतलब इंस्टाग्राम में भी पूनम 1366 नाम से जो मेरी आईडी है तो ठीक है बाय बाय